जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा आपका क्यों। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ भावना शर्मा, आई एम अ करियर साइकोलॉजिस्ट। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ IIT एडवांस मैथ्स का सिलेबस, कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं, क्या क्या कौन कौन से यूनिट होती हैं और उनके अंडर कौन कौन से आपके टॉपिक्स आते हैं, वो सारा आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। ठीक है, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वन बाई वन यूनिट वाइज देखते हैं। ठीक है, ओके, सिलेबस फॉर IIT एडवांस मैथ्स। ठीक है, फर्स्ट मैं आपका एलजेब्रा के अंडर मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट जो रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिट नंबर फर्स्ट। ओके, सो इसमें जो आपका पहला टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन सेकेंड टॉपिक आपका रहेगा मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट इन पोलर फॉर्म, दिस इज योर सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक आपका रहेगा ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन एंड फोर्थ टॉपिक आपका रहेगा रूट्स ऑफ यूनिटी। फिफ्थ जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड सिक्स जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डी मोइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। सो दिस इज योर यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आपके सिक्स टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट इन पोलर फॉर्म, थर्ड आपका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन एंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फिफ्थ आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड सिक्स डी मोइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, देन आपकी सेकेंड यूनिट, यूनिट नंबर सेकेंड। ओके, देन आपकी यूनिट नंबर सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, दिस इज योर यूनिट नंबर सेकेंड। फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट्स, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में आपका रहेगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन थर्ड आपका रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ रूट एंड फोर्थ वन इज योर सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट। दीज आर योर फोर टॉपिक्स इन यूनिट नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, सो यूनिट नंबर थ्री क्या रहेगी आपकी, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, दिस इज योर यूनिट नंबर थर्ड। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स एपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी बोल देते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका रहेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स जीपी, दीज आर दियर शॉर्ट नेम। एंड थर्ड आपका रहेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स HP। फिर फोर्थ नंबर पे आपका रहेगा सम ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज, फिफ्थ आपका रहेगा स्पेशल सीरीज सम्स लाइक स्क्वायर्स क्यूब्स etc। ओके, सो दीज आर योर टॉपिक्स इन यूनिट नंबर थ्री। दिस इज योर यूनिट नंबर फोर logarithms, दिस इज योर यूनिट नंबर फोर। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहेंगे, फर्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ logarithms एंड सेकेंड वन इज इक्वेशन इन्वॉल्विंग logarithm, दीज आर योर टू टॉपिक्स। नेक्स्ट यूनिट नंबर फाइव, दिस इज योर यूनिट नंबर फाइव। ओके, जिसका नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स एंड एज एरेज ऑफ रियल नंबर, सेकेंड आपका रहेगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड ट्रांसपोज, दिस इज योर सेकेंड टॉपिक। थर्ड आपका रहेगा डिटर्मिनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज अप टू 3x3 मैट्रिक्स। ओके, 3x3 मैट्रिक्स का मतलब होता है इस टाइप से, दिस इज योर 3x3 मैट्रिक्स, नॉट दिस, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ओके, देन फोर्थ आपका रहेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिक्स, दैट इज सेम। फिफ्थ आपका रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, दिस इज योर मैट्रिक्स यूनिट नंबर फाइव एंड देयर टॉपिक्स। नेक्स्ट आपका देखते हैं,
यूनिट नंबर सिक्स ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका पहला जो यूनिट है वो ये रहेगा. दिस इज नॉट यूनिट नंबर सिक्स. ओके, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आपकी पहली यूनिट है उसमें आपका यूनिट नंबर वन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, देन इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा डेफिनेशंस एंड आइडेंटिटीज. दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक. सेकेंड आपका रहेगा ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. थर्ड आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. फोर्थ आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज. एंड फिफ्थ आपका रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इंक्लूडिंग हाइट्स एंड डिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं. नेक्स्ट यूनिट में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं. दिस इज यूनिट नंबर फोर आई गेस, टू. दिस इज यूनिट नंबर टू इन ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो यूनिट नंबर टू ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी रहेगी आपकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे. फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा प्रिंसिपल वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज. सेकेंड आपका रहेगा सॉल्विंग इक्वेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, सो दीज आर योर टू टॉपिक्स. नेक्स्ट आपका देखते हैं, आपका फिर आपका एक टॉपिक रहेगा एनालिटिकल ज्योमेट्री. ठीक है, और इसके अंडर आपकी पहली यूनिट में कौन सा रहेगा, यूनिट नंबर फर्स्ट क्या रहेगी इसकी, यूनिट नंबर फोर इसमें रहेगा स्ट्रेट लाइंस. ओके, उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे. फर्स्ट आपका रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. सेकंड आपका रहेगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स. थर्ड आपका रहेगा स्लोप ऑफ अ लाइन. फोर्थ आपका रहेगा वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन. फिफ्थ आपका रहेगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स. एंड सिक्स आपका रहेगा सर्कल्स एंड सिस्टम्स ऑफ सर्कल. दिस इज योर टॉपिक्स इन यूनिट नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट नंबर सेकेंड कौन सी रहेगी, कॉनिक सेक्शंस. ओके, सो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट आपका रहेगा पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. सेकेंड आपका रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टीज. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड टॉपिक. थर्ड आपका रहेगा पैरामेट्रिक इक्वेशन. फोर्थ आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. फिफ्थ आपका रहेगा लोकस प्रॉब्लम. दिस इज योर टॉपिक इन आई गेस. ओके, दिस इज योर टॉपिक इन एनालिटिकल ज्योमेट्री. फर्स्ट यूनिट के अंदर ये वाले टॉपिक्स आपके कवर होंगे जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है. एंड सेकेंड यूनिट में आपके ये वाले टॉपिक्स कवर होंगे. अब देखते हैं थर्ड यूनिट कौन सी रहेगी. थर्ड यूनिट आपकी रहेगी थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, यूनिट नंबर थर्ड. ओके, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस फॉर्मूलाज. सेकेंड आपका रहेगा डायरेक्शन कोसाइन्स एंड रेशियोज. फोर्थ आपका रहेगा थर्ड आपका रहेगा प्लैंस एंड देयर इक्वेशंस. एंड फोर्थ वन इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. ओके, ये आपके टॉपिक्स जो होंगे, ये वाले टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके यूनिट नंबर थ्री में रहेंगे. देन आगे बढ़ते हैं. आपका जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस. इसको लिख देती हूं. कैलकुलस. ओके, इसके अंडर जो आपका पहला इस ये वाले टॉपिक के अंदर जो फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी उसका नाम रहेगा यूनिट नंबर फर्स्ट. दिस इज योर फंक्शंस लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी. सो दिस इज योर यूनिट नंबर फर्स्ट. एंड इसके अंडर जो टॉपिक कवर करने हैं वो आपके इस टाइप से हैं. नंबर वन टाइप्स ऑफ फंक्शंस. देन नंबर सेकेंड पे आपका रहेगा लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी. नंबर थर्ड पे आपका रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ठीक है, दिस इज योर यूनिट टॉपिक नंबर थर्ड.
नेक्स्ट आपका देखते हैं डिफरेंशिएशन, दिस इज योर यूनिट नंबर सेकेंड, ओके, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा डेरिवेटिव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, सेकेंड आपका रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, थर्ड आपका रहेगा चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चंस रूल, फोर्थ आपका रहेगा इम्प्लिकेट डिफरेंशिएशन, दिस इज योर यूनिट नंबर टू इन टॉपिक डिफरेंशिएशन के कैलकुलस, और उसके अंडर जो भी टॉपिक्स आपके कवर होंगे ये उन टॉपिक्स के नेम हैं, ओके. नेक्स्ट मूव करते हैं. फिर है आपका यूनिट नंबर थ्री है ये इस टॉपिक की, ओके. इसमें क्या है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, सेकेंड टॉपिक आपका रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, थर्ड आपका रहेगा रोलेज एंड लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम्स, फोर्थ आपका रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके. एंड नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका इंटीग्रल कैलकुलेशन, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक. इसके अंडर जो यूनिट फर्स्ट है वो है आपकी इंटीग्रेशन. इसके अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक्स कवर होंगे, फर्स्ट आपका रहेगा इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, सेकंड नंबर पे आपका रहेगा डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, थर्ड पे आपका रहेगा इंटीग्रेशन टेक्निक्स, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स, पार्शियल, फ्रैक्शंस, एंड फोर्थ वन आपका रहेगा एरिया अंडर कर्व्स, ओके. दीज आर योर टॉपिक्स इन यूनिट फर्स्ट इंटीग्रेशन. नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर सेकेंड, यूनिट नंबर सेकेंड जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है. इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा एरिया बिटवीन कर्व्स, सेकेंड नंबर पे आपका रहेगा डिफरेंशिएशन इक्वेशन, फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशंस, थर्ड आपका रहेगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन, दिस इज योर यूनिट नंबर फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड यूनिट में ये थर्ड तीन आपके टॉपिक रहेंगे. देन आपका एक होम होगा डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, ठीक है. इसके अंडर जो आपकी पहली यूनिट रहेगी यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है. दिस इज योर यूनिट नंबर फर्स्ट इन दिस टॉपिक. एंड इसके अंडर जो टॉपिक आपको कवर करने हैं, फर्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सेकंड आपका रहेगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, थर्ड नंबर पे आपका रहेगा होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, फोर्थ आपका रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है. सो दिस इज योर इंडिफरेंट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जिसके अंदर आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट मींस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके अंदर ये वाले टॉपिक्स आपके कवर होंगे. नेक्स्ट आपका वेक्टर्स, ओके. वेक्टर्स में जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट रहेगी, वेक्टर्स इन टू एंड थ्री डायमेंशन, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा एडिशन सब्स्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेकंड आपका रहेगा डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स, थर्ड आपका रहेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फोर्थ आपका रहेगा जियोमेट्रिकल एप्लीकेशंस, ओके. ये वेक्टर में आपकी एक ही यूनिट है, और उस यूनिट के दिस इज वेक्टर्स, वेक्टर वेक्टर में आपकी ये वन एक यूनिट ही है, जिसका नाम है वेक्टर इन टू एंड थ्री डायमेंशन, जिसके अंडर ये वाले ऊपर वाले टॉपिक्स आपके कवर होंगे. नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपकी यूनिट है प्रोबेबिलिटी, जिसके अंडर आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे, डेफिनेशंस एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, सेकेंड आपका रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम, थर्ड आपका रहेगा रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ नंबर पे आपका रहेगा बायनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. नेक्स्ट दिस इज मिसलेनियस, लास्ट एंड मिसलेनियस दिस इज, इसमें आपका क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर पे आपकी रहेगी बायनोमियल थ्योरम,
जिसमें आपका टॉपिक रहेगा एक्सपेंशंस ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन, सेकंड आपका रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। दिस इज मिसलेनियस, इसमें जो भी आपका बचा हुआ रह जाता है वो सब कुछ इसके अंडर कवर होता है। सेकंड आपका रहेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा अरेंजमेंट्स एंड सेलेक्शंस, सेकंड आपका रहेगा प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, ओके। थर्ड पे आपका रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा स्टेटमेंट एंड लॉजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड आपका रहेगा वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फोर्थ पे आपका रहेगा स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, जिसमें ओनली वन टॉपिक आपका रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ योर टॉपिक्स इन आईआईटी मैथमेटिक्स मेंस एग्जाम, सॉरी एडवांस एग्जाम, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस आपका वाइड होता है आई नो, बट यही सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। इसमें से जो जो भी वीक टॉपिक है सबसे पहले आप वो कवर करिए प्रिपरेशन से पहले, देन स्ट्रॉन्ग की तरफ जाइए, एंड आई होप आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके काम की भी रहेगी, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।